अरे जाने मन तू कहाँ है, मैं घर में हूँ राजा, दो जरा बाहर आ जा। क्या हुआ राजा, चल गए ऊँ काटे, भाखो हम ना जाई। अरे काहे रे काहे ना जाइबी, काहे की ब्यूटी मोर खराब हो ही जाई हो। कटी ना गेहूँ त लिया के खियाई हो, जे लिया अलावे उहे लाके खियाई हो, हाथ में कपलिया के दे बया घवाई हो। यही वो अंदाज़ है जो लोग खूब पसंद कर रहे हैं, खूब प्यार इन्हें मिल रहा है। सोनू जी, सफ़र कब शुरू हुआ आपका इस फील्ड में, गाने के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में? जी ये सफ़र लगभग 14 साल से चल रहा है। 14 साल से, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज 2 महीने 3 महीने से सोनू का चेहरा खूब वायरल है और खूब आपका जो वीडियो है वो लोग खूब देख रहे हैं। 3 महीने से बस। 3 महीने से, जी यानी पिछले 14 साल से लगातार आप संघर्ष करते रहे जी हैं। 14 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। 14 साल से कोई भी काम अगर करता है इंसान और सफलता ना मिले, 1 साल 2 साल, उसके बाद इंसान खुद उबने लगता है, हिम्मत हारने लगता है, जी परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। 14 साल इसी फील्ड में संघर्ष करते रहे, फिर बीच में कुछ आपने और किया? नहीं, और भी किया बिजनेस, लेकिन ये फील्ड जो है कि लगातार जारी रहा। हाँ मतलब बीच आपने में हिम्मत नहीं हारी। जी बीच में कठिनाइयाँ तो बहुत आई, उसको गिनाने चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़े, इसलिए आज सफलता मिल रही है आप लोगों के प्यार से। बिल्कुल, जब इंसान सफल हो जाता है तो वो अपने संघर्षों के बारे में लोगों को बताता है। कुछ किस्सा बताइए, कुछ शॉर्ट में थोड़ा सा, कि आखिर वो उस किस्से से आपकी हिम्मत टूट गई हो, अब तब लगा हो कि यार अब छोड़ो, अब ये काम नहीं करना, चलो कमाते धमाते हैं, हटाओ ये इन चीज़ों को, लेकिन फिर से कहीं किसी ने राय दिया हो या फिर अपने अंदर की आत्मा कही हो, नहीं यार हमें करना तो यही, हम एक दिन ज़रूर मुकाम हासिल करेंगे, कुछ ऐसा किस्सा रहा हो कभी इन पहले 14 सालों के गाना बीच? गाते थे हम, और अंग्रेजी बाजा में गाते थे, तो अच्छा, तो बैंड पार्टी में गाने का काम जो सिंगर हाँ करते उसमें थे। गा गा के एल्बम निकालते थे। उसके बाद बैंड पार्टी भी छोड़ दिए, उसके बाद एल्बम भी बंद हो गया। फिर बीच में एक एल्बम हिट हुआ था पिया रंगुनवा गइले, तो वो 1 साल तक चला, उसके बाद फिर डाउन हो अच्छा, गया पिया बिल्कुल। रंगुनवा गइले, ये गाना आपका ही है? जी अरे रेहलिया पचड़ी के जहाजिया से उतरी, पिया रंगुनामा हो गई लेना कि पिया रंगुनामा हो गई लेना, तो हमारा झूलनी के कारनवा हीरा रंगुनामा हो गई लेना, तो हमारा झूलनी के कारनवा हीरा रंगुनामा हो गई लेना। बड़ा बेहतरीन गाना है। सोनू जी, आपने बताया कि फिर आपका ये गाना आया और ये हिट हुआ एक बार बीच में, कब, अब से कितने पहले ये गाना आया था? आज से 5 6 साल पहले हुआ था 5 6 साल पहले ये गाना था। जी, उसके बाद फिर मार्केट एकदम डाउन हो गई, उसके बाद छोड़ दिए थे 2 साल, मजबूरियां आ गई थी बहुत, घर पे एकदम पूरा कर्जे में डूब गया था पूरा घर, इसलिए गाना वाना नहीं गा पा रहे थे। फिर दुकान में काम कर रहे थे, दुकान चला रहे थे, दुकान से अपना रोजी रोटी चल रहा था। उसके बाद दुकान से थोड़ा थोड़ा दुकान बढ़ाए, उसके बाद फिर गाना गाने लगे दुकान से कमा कमा के, उसके बाद फिर अब जाके हिट हुआ 5 साल बाद। 5 साल तक दुकान चलाए, दुकान बिल्कुल। चला चला। देखिए, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है। 14 साल तक लगातार संघर्ष करते रहे, तमाम सारे और ये काम किए उसके बीच, और फिर छोड़ दिए, फिर किए, फिर छोड़ दिए, और ऐसे करते करते आज मुझे लग रहा है कि 2 3 महीने से लगातार इनके एक से एक गाने आ रहे हैं। जी, डेली एक दिन के बाद एक दिन पे रिलीज हो रहे हैं डेली। इतने गाने अब आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, हौसला अब तो बढ़ गया होगा, अब तो हिम्मत और बढ़ गई होगी हाँ अब काम, क्योंकि पब्लिक का प्यार मिल रहा है तो हौसला बढ़ेगा ही, जितना प्यार मिलेगा उतना हौसला बढ़ेगा हम लोगों का। अच्छा, जिस समय आप हिट नहीं हुए थे, आप काम आपका नहीं चल रहा था, आपके गाने नहीं चल रहे थे, उस टाइम परिवार के लोग क्या कह रहे थे? परिवार के लोग बोल रहे थे कि अगर नहीं चल पा रहा है, इससे नहीं हो पा रहे हो कामयाब, तो छोड़ दो ये सब और जाओ कहीं शहर में कमाओ धमाओ, काम धाम करो जिससे 2 पैसा मिलेगा, इसमें कब तक सड़ोगे जब तक काम नहीं कुछ करना है तो। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी भाई, ये मानना पड़ेगा, 14 साल संघर्ष करना अपने आप में बड़ी बात होती हम है। किसी की नहीं सुने, बस अपने मन की सुने हाँ, और गाते गए। अब कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है, सबका प्यार मिल रहा है, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, अब अच्छा, सब खुश है। आप खुश हैं सर? हाँ, अब खुश है। अच्छा, कोई आपका और हिट गाना रहा हो, उसकी 2 लाइनें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अरे मैं हरिया तू कहाँ है, मैं छत पे हूँ राजा, तू जरा नीचे आ जा। क्या बात है राजा, करे तू इंस्टाग्राम चला वेली का, हाँ हो मोरे राजा, बड़ा आवेला माजा, कमीनी तू ये सब छोड़ दे, ऐसे कैसे मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूँ राजा। ये गाना भी आपका हिट हुआ है? जी, ऐसे में बहुत हिट चल रहा है।
इंस्टाग्राम पे तो वायरल चल रहा है पूरा। 4 लाख तक तक। अच्छा, हर हर दूसरे दिन आपके गाने आ रहे हैं जी। राइटर भाई आपके कौन है? देवानंद राजभर, यही है पास में देवानंद। देवानंद जी, आप जी देखिए भाई, इनका भी हम योगदान है, क्योंकि समझिए कि ये पूरी टीम है, कैमरामैन है, राइटर हैं, और आप भाई कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर हैं आप भाई साहब। अब ये भी एक्टिंग करते हैं, मैंने देखा अभी अभी शूट चल रहा था इन लोगों का। विशाल नाम है आपका, आप भैया? वीडियो डायरेक्टर आशीष गौतम। वीडियो डायरेक्टर है भाई साहब, की शूट चल रहा था, क्योंकि शूट के टाइम ही मैंने सबको जाना कि भाई कौन क्या काम कर रहा, तो उसी समय मुझे पता चल गया कि ये उनकी पूरी टीम है। तो पूरी टीम का एक योगदान है इस बुड्ढे के अंदाज में भी आप बोलते हैं, या सिर्फ किरदार ही होता है? नहीं नहीं, बुड्ढे के अंदाज में किरदार ही होता है, और गाना तो वैसे स्टूडियो में होता है सब रिकॉर्डिंग। अच्छा, ऐसे चेहरा देखने के बाद लोगों को लग रहा होगा कि आप वाकई में बुड्ढे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने शुरुआत में नहीं पूछा कि लोगों को पता चल जाएगा। वैसे में आपकी रियल क्या एज है, क्या उम्र है? 27। 27 साल है। ये गेटअप आपके मन में कैसे आया कि हम बुड्ढे के गेटअप में आते हैं? ये गेटअप जी हमारे डायरेक्टर आशीष गौतम जी की रियल है, इन्होंने ही हमें बुड्ढे का कैरेक्टर दिया है। भाई साहब, आपके मन में कैसे आया कि बुड्ढे का किरदार दिया जाए? जैसे यहाँ पे मैं शूट कर रहा था बहुत पहले, तो इनको देखा मैं, इनका कई गाने शूट किया, तो एक तमन्ना यादव जी है हमारे, उसके गाने में जैसे क्या ना, बूढ़े का बहुत रोल होता है, तो उसके गाने में एक गाने में काम था, तो उसको बूढ़ा कोई नहीं मिल रहा था, तो ये खड़े थे, चलो सोनू तुम ही बन जाओ, तो सोनू बन गए। उसके बाद धीरे धीरे उसके गाने में बूढ़े का रोल करते गए, और उस टाइम बहुत हिट चल रहा था सोनू। उसी के बाद उसमें फिरंगी का नाम मिल गया, तमन्ना यादव को जैसे, फिर अपना चल गए, फिर लगातार बुड्ढे का ही किरदार इनको दिए जा रहे हैं आप लगातार। कॉमेडी 2 साल से बुड्ढा बन के घूम रहे हैं। अच्छा, कॉमेडी भी करते हैं आप इसके अलावा, गाने के अलावा कॉमेडी भी आप लोग करते हैं? कॉमेडी का भी चैनल आप लोग? हाँ, कॉमेडी का भी चैनल है, तो इस समय उस पर काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाने से फुर्सत नहीं मिल रही है भाई। हर दूसरे दिन आपका गाना आ रहा है, तो फुर्सत कहाँ है? लगातार शूट चल रहा है, लगातार शूट रिकॉर्डिंग चल रहा है इस समय। अच्छा, जब आप कॉमेडी करते थे, तो उस समय का कोई आपका वायरल डायलॉग कोई रहा हो, जो लोगों ने खूब सराहा हो, खूब रील बनाई हो, कोई डायलॉग ऐसा रहा हो? नहीं, ऐसा कोई खास डायलॉग नहीं था, पूरा वीडियो ही हिट हो जाता था बुड्ढे की आवाज़, मतलब सब हर बातें खास थी उसमें। हाँ, हर बातें उसमें खास थी। आखिरी में कुछ हो जाए, अरे खाके देखा लीची तू हमार मैडम, अरे खाके देखा लीची तू हमार मैडम, अरे पोइब मजा तू दाना दान मैडम, हाँ खाके देखा लीची तू हमार मैडम, आ पोइब मजा तू दाना दान मैडम। इस समय लीची वाला गाना चल रहा है प्रयाग म्यूजिक पे, यही गाना जी। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग चाहते हैं रातों रात हिट होना? आपने तो संघर्ष किया, क्योंकि आप ही बता सकते हैं, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे लोग हैं, हर रोज़ नए चैनल बन रहे हैं, सिंगर हर रोज़ नए आ रहे हैं, हर रोज़ एक्टर आ रहे हैं, हर रोज़ एक्ट्रेस आ रही हैं, नई नई छोटी छोटी लड़कियां आ रही हैं काम करने के लिए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रातों रात हम हिट हो जाएं, तो उनके लिए क्या आप कुछ बताएंगे, कुछ उन्हें सजेस्ट करेंगे, कुछ राय? रातों रात तो कोई हिट नहीं होता है, संघर्ष करते रहिए, कब किस्मत चमक जाएगी ये तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, कभी भी वायरल हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई दे सकता है। चलिए, ये थे सोनू जी, जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन आप गाने में देखते हैं, आप एक्टिंग देखते हैं, किरदार देखते हैं, लेकिन इनके बारे में जानने के लिए हम इनके पास आए हैं, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आखिर सोनू जी कितना संघर्ष किए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उस चीज़ को जानने के लिए। और तमाम बातचीत हमारी हुई, इनकी पूरी टीम है, कोरियोग्राफर, कैमरामैन, राइटर, और ये भी भाई एक्टिंग करते हैं, बढ़िया बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, तो पूरी टीम थी, हमने बातचीत किया। वैसे इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।